सोशल मीडिया पर गाड़ी बेचने का विज्ञापन देकर अपने को सेना का जवान बताने वाले शातिर ठग ने एक युवक से लाखों रुपए ऐंठ लिए। उसके दस्तावेजों की जांच की तो सारे फर्जी निकले। रीवा के लौर थाना अंतर्गत ग्राम खैरा कनकेसरा निवासी कृष्णा कुमार पटेल ने बताया कि उसने फेसबुक में गाड़ी बेचने का विज्ञापन देखा और विज्ञापन जारी करने वाले युवक से संपर्क किया तो उसने अपना परिचय सेना के जवान के रूप में दिया और ट्रांसफर होने की वजह से गाड़ी बेचने की जानकारी दी। उसके झांसे में आकर युवक ने खाते में 1,00,000 रुपए डलवा दिए। रुपए खाते में आने के बाद उसने अपना मोबाइल बंद कर लिया और फेसबुक में जारी किया विज्ञापन भी डिलीट कर दिया। यहां तक कि आरोपी के सारे दस्तावेज भी फर्जी निकले। परेशान युवक ने थाने पहुंचकर पुलिस को घटना की जानकारी दी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हमारे साथ घटना घटी, फेसबुक में गाड़ी दिखाया गया, हमसे डाउन पेमेंट 1,00,000 मांगा, हमने पेमेंट कर दिया। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद गाड़ी नहीं आया अभी तक। ये कौन है, कहाँ, फेसबुक कहाँ से मिला था आपको? ये मेरे को फेसबुक से मिला था। बोला मैं एक फौजी आदमी हूँ, ऐसा मैंने कभी गलती नहीं कर सकता हूँ, मैं देशभक्ति हूँ जी। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद इसका मैंने पेमेंट कर दिया। पेमेंट करने के बाद बोलता है 25,000 रुपये और दो हमको, तभी आपको गाड़ी देंगे, नहीं गाड़ी हम नहीं देंगे आपको।